नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और भारत में जो आम चुनाव चल रहा था उसका अंतिम चरण अब आने वाला है 19 तारीख को, जिसमें 59 सीटों के लिए 8 राज्यों में वोटिंग होगी। और सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि पंजाब की 13 सीटों के लिए, यानी कि पूरी की पूरी सभी सीटों के लिए पंजाब में वोटिंग होनी है। बाकी जो सीटें हैं 13 उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 3 मध्य प्रदेश के अंदर हैं, कुछ सीटें बिहार में भी हैं और कुछ सीटें पश्चिम बंगाल में, करीब 9 सीटें हैं। तो ये है, लेकिन खबर आज ये है कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव के 6 चरण के बाद बौखलाई हुई है, डर गई है, उसका एक नज़ारा देखने को मिलता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे बयान देता है कि अगर मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आएंगी, अगर 40 सीटें आ जाती हैं तो क्या नरेंद्र मोदी विजय चौक पर, यानी कि दिल्ली के इंडिया गेट पर फांसी लगाएंगे। ये कितना शर्मनाक बयान है, इसकी बात की चर्चा तो होगी हुई, साथ ही चर्चा ये भी होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि 10 दिन बाद रिजल्ट आना है। आज 13 तारीख है, 23 को रिजल्ट आना है, और उससे पहले इस तरीके का खिसियाट भरा और शर्मनाक बयान देकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के जो अंदर एक तड़प है, तड़पड़ाहट है, छटपटाहट है, उसको बाहर करने की कोशिश की है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा ही ज़्यादा विवश बयान दिया, एक ऐसा बयान दिया जो किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है इस तरीके का बयान देना शोभा नहीं देता है। सामान्य व्यक्ति को भी ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो हर सभा में जाकर ये बोलते हैं कि 40 सीटें भी नहीं आएंगी कांग्रेस की इस बार कांग्रेस 40 से पीछे रह जाएगी, जबकि हमारी बहुत सीटें आ रही हैं, हम बहुमत के करीब आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि अगर कांग्रेस की 40 सीटें आ गईं तो क्या नरेंद्र मोदी विजय चौक, यानी कि इंडिया गेट के या राष्ट्रपति भवन के पास जाकर अपने गले में फांसी लगा लेंगे। अब आप सोचिए किस तरीके की भाषा है ये और किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं कांग्रेस पार्टी के उस नेता ने जिसे सोनिया गांधी ने नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस का सदन में लीडर बना रखा था, और वो व्यक्ति सदन के अंदर यानी संसद के अंदर भी एक बड़ा ही शर्मनाक बयान पहले दे चुका है। उसने एक बार कहा था कि अगर हमारे जो SC ST के खिलाफ कुछ किया गया तो हम हथियार उठा लेंगे और इस देश में आग लगा देंगे। वो अपने आप को मूल निवासी कह के भी तमाम तरीके के विवादास्पद बयान मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दे चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या अब इस पर माफ़ी मांगेगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा विवाद होगा तो कांग्रेस इसको व्यक्तिगत बयान दे देगी, कह देगी, या फिर ये कहेगी कि उसके बयान को ट्विस्ट किया गया है, उसने मजाक किया था। किसी व्यक्ति के लिए फांसी लगाने की बात करना मजाक नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह शायद अपनी हार से डर गए हैं, इसलिए वो चुनावों में वोट डालने की हिम्मत भी नहीं कर सके। आपको याद होगा कि कल दिग्विजय सिंह ने अपना वोट नहीं डाला था और इस बात के लिए उसकी बहुत आलोचना हो रही है। खबर आज ये है कि टॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर रहे कमल हासन ने एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बयान दिया है, और वो बयान में उसने कहा है कि भारत का जो आज़ादी के बाद पहला आतंकवादी था वो एक हिंदू था और वो था नाथूराम गोडसे। ये वही कमल हसन है जो अपने आप को नास्तिक बताता है और अपना जो इसके माता पिता का दिया हुआ नाम है उसको ये कभी यूज नहीं करता है, कभी प्रयोग नहीं करता है, और ज़्यादातर लोग उसका असली नाम नहीं जानते हैं क्योंकि उस नाम से धार्मिकता का एहसास होता है, उस नाम से भारतीय संस्कृति का एहसास होता है, और कमाल हसन जो नाम है उससे लोगों को भ्रम पैदा होता है, इसलिए वो इस नाम को इस्तेमाल करता है। दरअसल कमल हसन का असली नाम है पार्थ सारथी श्रीनिवासन, जो कि एक टिपिकल तमिल नाम है, लेकिन उस नाम को कभी कमल हासन ने इस्तेमाल नहीं किया,
इस व्यक्ति की जो सोच है वो सेकुलरवादी जो एक अलग तरीके की सोच होती है। ये लोग अपने आप को लिबरल बोलते हैं, ये लोग अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, लेकिन इनकी जो लिबरल थिंकिंग है और जो सेकुलरिज्म है वो केवल और केवल भारतीय और सनातनी परंपराओं के खिलाफ बोलने में इस्तेमाल होती है। बाकी किसी अन्य रिलीजन या मजहब के खिलाफ बोलने की ये हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ऐसा ये कभी करते हैं तो फिर इनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जिससे डर कर ये कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करते। कमल हासन ने ये सब क्यों किया, इसकी भी एक वजह है कि कमल हासन की पार्टी तमिलनाडु में चुनाव भी लड़ी है और वहाँ राजनीति करने के लिए उसने एक अलग तरीके का ये जो शब्द इस्तेमाल किया कि नाथूराम गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी बता दिया। जबकि कमल हासन की शायद जो बुद्धि है उसमें या तो इतिहास की जानकारी है नहीं, या है तो उसको ठीक ढंग से पता नहीं है कि इस देश में जो मुगलों का 300 साल के करीब शासन रहा था उसमें जितने भी शासक रहे थे, चाहे वो मुगल रहे हों या फिर दक्षिण के अलग अलग छोटे मोटे नवाब रहे हों, उन सब का जो शासन था वो जिहादी मानसिकता पर आधारित था, आतंकवाद पर आधारित था, लूट खसोट पर आधारित था। उसका जिक्र कोई भी लिबरल नहीं करता है, कोई भी सेकुलर नहीं करता है, कोई भी बॉलीवुड में काम करने वाला जो अभिनेता है या अभिनेत्री है वो नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ टारगेट दिखता है। तो भारत के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत करना ही उनका एक टारगेट नज़र आता है। कमल हासन जैसे लोग लोगों की भावनाओं को भड़काकर, लोगों को आहत करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं और उसके बाद जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो माफ़ी मांग लेते हैं। और इसी श्रेणी में एक और नाम आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भी बंगाल के अंदर जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है और जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी हो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक गलत तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो भी बड़ा शर्मनाक है। ममता बनर्जी के बात करें तो मायावती ने एक बयान दिया है और उसने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है, उनके और उनकी पत्नी के जो संबंध हैं उसको आधार बनाकर उसने एक बहुत शर्मनाक बात कही और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बीवियां भी परेशान रहती हैं और वो सोचती हैं कि उनके पति नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, कहीं नरेंद्र मोदी उन्हें भी अपनी पत्नियों को छोड़ने की सलाह तो नहीं दे देंगे। अब सोचिए किस तरीके की सोच मायावती, ममता बनर्जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की है और किस तरीके की सोच इस देश में कमल हासन, आमिर खान, शाहरुख खान टाइप के सेकुलरवादी अभिनेताओं की है। इसी कड़ी में एक बीच का इंसान भी है जो नेता भी है और अभिनेता भी है, नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पहले क्रिकेटर हुआ करता था, वो भी अपने इसी तरीके के उलझलुल बयानों के लिए हमेशा निंदा का शिकार होता रहा है और अब खुलकर उसकी सभाओं में जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि सिद्धू के जो बयान हैं उनसे जनता सहमत नहीं है। जनता तो सहमत केजरीवाल से भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जब संगरूर यानी पंजाब में प्रचार करने के लिए जाता है, रोड शो करता है, तो लोग सड़क पर आकर उसको काले झंडे दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कहा था, मजीठिया पर आरोप लगाए थे नशाखोरी के, नशे का धंधा करने के, अब बताओ कि तुमने नशे के खिलाफ कितना काम किया है और नशा का जो कारोबार करते हैं उनको कितने लोगों को जेल में पहुंचाया है। सीधे तौर पर अब जनता सड़क पर आकर बिना किसी इंतजार के जिस तरीके से विरोध कर रही है उसका ही एक नज़ारा अभी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाषण दे रहा था और उसने कर्ज माफी की जब जिक्र किया कि हमने कर्ज माफ कर दिया, तो एक व्यक्ति, एक किसान वहां मंच पर आ गया और वो कहने लगा कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है, हमें तो बैंक परेशान कर रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसको जबरदस्ती बिठाते हुए मंच से हटाते हुए देखा गया, उससे स्पष्ट हो गया कि ये जो नेता कहलाते हैं ये नेता बनने के काबिल नहीं है, ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, ये सीधे तौर पर राजनीतिक ठग हैं
और ऐसे ठगों को अब जनता सीधे उनके मंच पर जाकर जवाब देने लगी है, जैसा दिग्विजय सिंह की भी एक सभा में हुआ था, जब दिग्विजय सिंह ने एक युवक को बुलाया और युवक ने जब बेइज्जती की दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, ज्योतिरादित्य हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, इन सभी को जनता खुलेआम सामने आकर बाकायदा हिम्मत के साथ जिस तरीके से जवाब दे रही है, उससे अब ये लगता है कि इस देश की जनता का जो मूड है वो बिल्कुल बदलने लगा है, उसकी जो समझ है वो भी बदलने लगी है। पहले जो जनता केवल नेताओं के पीछे जाकर और उनकी किसी भी हर झूठ सच बात को सुनकर केवल नारे लगाया करती थी, उनकी जय जयकार किया करती थी, अब उस जनता में से चाहे किसान हो, युवक हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, वो बाहर आ रहे हैं और सामने आकर फ्रंट पर आकर वो जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, गलत का विरोध करने की जो पुरानी भारतीय परंपरा है उसको निभाने का काम कर रहे हैं, वो भारत की राज जो अभी राजनीति है, जो लोकतंत्र है, उसके लिए बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता और जनप्रतिनिधि या जो नेता है उनके बीच सीधा संवाद होना चाहिए, जो पहले देखने को नहीं मिला करता था। क्योंकि पहले बड़े बड़े टीवी चैनल हुआ करते थे, अखबार हुआ करते थे और वो केवल नेताओं पर कंसंट्रेट किया करते थे या जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन पर कंसंट्रेट किया करते थे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने अब हर छोटे बड़े व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक मंच उपलब्ध करा दिया है और उसे ये लगता है कि अगर मैं इस तरीके से कोई विरोध दर्ज कराऊंगा, हिम्मत दिखाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फोटो खींच लेगा और उसका वीडियो बना लेगा, और जब ये बात जनता के सामने 130 करोड़ लोगों के सामने रखी जाएगी तब निश्चित तौर पर मेरा समर्थन करने वाले अच्छे लोग भी मिलेंगे। और ये हो भी रहा है कि जब लोग अच्छे काम के लिए किसी का विरोध करते हैं, जब अच्छी बात उठाते हैं, तो उसको लोग बड़े चाव से देखते हैं और उस व्यक्ति की चाहे उसके संपर्क में ना हो पाए लेकिन उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे इस देश की राजनीति में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, जो कमल हासन जैसे लोगों को, ममता बनर्जी जैसे लोगों को उलझल उल भाषण देने से रोकने में अच्छा सिद्ध होगा। एक भाषण की बात है तो अंतिम चलते चलते एक और बात कर लें, महबूबा मुफ्ती ने भी एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दे दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसके बाद वहाँ लोग प्रदर्शन करने उतरते हैं, उस प्रदर्शन के बाद जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को एक मौका मिल जाता है अपनी राजनीतिक बात रखने का। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस रियासत में शरिया कानून लागू कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि शरिया कानून लागू करने की बात का क्या मतलब होता है, क्या महबूबा मुफ्ती इसको इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कर रही है, क्या महबूबा मुफ्ती वहाँ ISIS जैसा सिस्टम खड़ा कर देने की बात कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने अगर फांसी देने की बात की होती, गोली मारने की बात की होती या कुछ और उसके व्यक्ति को सरेआम सजा देने की बात की होती तब तो लोग हजम कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से वो शरिया या शरीयत के कानून की बात कर रही है उससे लगता है कि उसका भारत के संविधान और भारत की जुडिशल सिस्टम में कोई विश्वास नहीं है, जिसको वो अपने शब्दों में प्रेषित कर रही है। तो ऐसे लोगों के जो बयान है उस पर जनता की प्रतिक्रिया है, उससे निश्चित तौर पर ये बात सामने आ रही है कि अगर ये लोग बयान दे रहे हैं तो जनता उनका विरोध कर रही है, और ऐसा विरोध जन जन तक पहुंच रहा है। हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, अभी आखिरी चरण के मतदान की जो तारीख है वो 19 तारीख है, तब तक हम आपको ऐसी और भी खबरें देते रहेंगे और जो जनता की बातें हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।